सारे रेडी हो गए, मैं भी तैयार था अपने ट्रॉली के साथ गोवा। एकदम झटपट पैकिंग करके अब सीधा सबसे तेजी वाला जरिया हमने चुन लिया था गोवा जाने का, तो हम बिना देरी के अब निकल पड़ते हैं कैप्टागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से हमारी शाम की फ्लाइट थी जो हमें सीधा गोवा उतारने वाली थी। अब ये ठहरा बेंगलोर, कहाँ आपको ट्रैफिक जल्दी पहुँचने देती है एयरपोर्ट, तो हमने 2 घंटा उलझा ट्रैफिक के साथ फाइनली पहुँच गए हैं एयरपोर्ट गोवा। हम पहुँचने वाले थे रात के 12 बजे, पेट और भूख को नज़र में रखते हुए हम चल देते हैं लॉन्च की ओर, जहाँ हमें मिल रही थी स्वादिष्ट खाना और बस वो कड़े मैं भी हूँ। काफ़ी वेटिंग के बाद हमारा टाइम आ गया था ऑनबोर्ड होने का गोवा के लिए। एक्साइटेशन तो दिखी रहे, सब एकदम जोश में थे और अपने सीट की ओर बढ़ते जा रहे थे, ताकि गोवा पहुंच के नई यादों पर रख ले हमने कैसे ये ट्रिप को साकार किया था। अभी तो अनबोर्डिंग चल ही रही थी, पर ये आ गया था अपने पीक मोड में, इनकी जो मस्ती चालू हो चुकी थी ना, अगर ये मैं अनम्यूट कर दूँ ना तो न जाने कौन कौन सी बातें आ जाती। खैर हमें तो करना था मस्ती और हम अपने फुल मोड में थे। तभी बेंगलोर से काफ़ी दूर और गोवा के काफ़ी करीब थे और हमारी विंडो से कुछ ऐसी नज़ारे थी। वाओ, हम गोवा लैंड तो कर गए हैं, बट सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये दो बंदे थे भाई, पीक पे थी इनकी एक्साइटेशन। और एक चीज़ जो पीक पे थी वो थी गर्मी, क्योंकि हम आ रहे थे बेंगलोर से जहाँ मौसम हो रही थी 22 डिग्री और वहाँ उतरे वो 30 डिग्री विद ह्यूमिडिटी एज एन एड ऑन, बट एक्साइटेड तो बहुत थे, बहुत ज़्यादा। काफ़ी मस्ती मजाक के बाद हम अपना रूम पहुँच जाते हैं वही रात के करीब। गाइस अभी 1:15 हो रहा है, अभी जस्ट रूम पहुंचे हैं। रूम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्त फ्रेश होकर नींद लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स day 1 इन गोवा। मैंने कर दिया कांड, अपना फ्लोरल टी शर्ट लाने भूल गया, तो फिलहाल यही पहन रहा हूँ, अभी लोकल मार्केट में कुछ खरीदा जाएगा। गोवा आकर जो पहला काम करना होता है स्कूटी रेंट करना, वो हमने कर लिया, दोनों स्कूटी मिल गया है हमें, एक मुकेश भाई चलाएंगे, एक फरमान भाई और मैं पिलियन। वाइजर वाला ले लेंगे। बिना देरी के एकदम झटपट से निकल पड़ते हैं बागा बीच। धूप बहुत ज़्यादा था और गर्मी भी थी, पर खैर तो जाना ही था। अचानक से तेल दिखे और वो ना के बराबर था, और फिर हम भी लग गए लंबी लाइन में तेल भरवाने के लिए। तो ये एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा भाई, जहाँ मौका मिले टैंक फुल करा लेना, नहीं तो ऐसे लाइन में लगे रहोगे। भीड़ भड़क्का से दूर हम अपने रूम के पास कैंडलिंग बीच है तो वहीं आ गए, और फिर थोड़ा सा सैक में रुक के पानी की ओर चले गए, मस्त फिर वाटर एंजॉयमेंट करते हुए हम थोड़ा बहुत नहा धो लिए समंदर के पानी में, फिर फ्रेश होने के लिए निकल जाते हैं वापस अपना होटल। काफ़ी घूमना फिरना हो गया, गोवा है तो गर्मी है, बाकी घूमने के मामले में अच्छा था। अब जा रहे थोड़ा नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने, मिलते हैं गोवा के नाइट लाइफ कैसा होता है, लेट्स गो।